नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। अयोध्या में राम मंदिर बनने का रास्ता साफ होने के साथ ही बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो का वादा भी पूरा कर लिया है। इस विवाद के अंत के साथ ही दशकों से चले आ रहे राजनीतिक एजेंडे का भी अंत हो चुका है। एक तरफ जहां सरकार भव्य राम मंदिर बनाने के लिए ट्रस्ट बना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री राम के लिए अपना खजाना खोल दिया है। जी हाँ, श्री राम के पदचिन्ह पर चलने वाली योगी सरकार ने राम जी के पदचिन्हों के अध्ययन के लिए 30 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। दरअसल भगवान श्री राम की यश गाथा तो कई ग्रंथ और पुस्तकें सुनाती हैं, लेकिन तमाम देश अभी उसे सहज स्वीकार नहीं कर पाए हैं। बता दें कि इसी कड़ी में अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाने के बाद अब अयोध्या शोध संस्थान भी एक बड़ी भूमिका अदा करेगा। संस्थान दुनिया भर में अकादमिक गतिविधियां कर श्रीराम से जुड़े तथ्यों को जुटाएगा और उनके दस्तावेज तैयार करेगा। उन तथ्यों पर तार्किक संवाद भी होगा ताकि विश्व उसे स्वीकार करे और कहे जय श्री राम। इसी कड़ी में योगी सरकार ने 30 लाख रुपए देने का ऐलान किया है, जिसके लिए पहली किश्त 15 लाख रुपए दी भी जा चुकी है। बता दें कि ये फंड अयोध्या शोध संस्थान को दिया जा रहा है। इसके जरिए राज्य सरकार भगवान राम के अंतरराष्ट्रीय पदचिन्हों का अध्ययन करने के साथ साथ भगवान राम के शिलालेखों और मध्य अमेरिका में हुंडुरास के जंगल में भगवान हनुमान की एक मूर्ति भी शामिल है, इसका भी अध्ययन किया जाएगा। बता दें कि इस अध्ययन के आधार पर भगवान राम के लिए एक डिजिटल म्यूजियम भी बनाया जाएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भगवान राम का संबंध सिर्फ भारत से नहीं बल्कि उनके वन गमन के साथ ही इस दायरे में कई देश आते हैं। अयोध्या पर फैसला आने के बाद से सरकार का यह प्रयास है कि श्री राम का संबंध धरती के जिस जिस भूभाग से रहा है वहां तक उनका यशगान हो। इसी आधार पर अयोध्या शोध संस्थान ने दुनिया को चार भागों में बांटा है, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्वी देश, करेबियन देश और यूरोप। अयोध्या शोध निदेशक योगेश प्रताप सिंह की माने तो अभी तक संस्थान विभिन्न माध्यमों से श्री राम से संबंधित तथ्य जुटाकर सहेजता और प्रदर्शित करता था। अब तय किया गया है कि इन सभी देशों में शोध कर तथ्य जुटाए जाएंगे, जिसके लिए योगी सरकार ने कदम उठाते हुए 30 लाख रुपए आवंटित कर दिए हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।